Hello everyone, welcome back to continuous classes. So today's discussion topic is tray dryer. So usually this dryer looks like this, and this is the three-dimensional or the original object view, and this is the schematic view. So in the left side, this is the after three-dimensional, okay, and this is schematic two-dimensional. So this is how it looks like, the tray dryer, and this is the schematic one. So we shall discuss both of the both of this, and before that let's know some definitions and some word meanings of this chapter, of this topic. So first of all, we will discuss here construction. It is the simplest of the batch dryer. So what do you mean by batch dryer? We have discussed earlier that what is a batch dryer is, and also known as cabinet or compartment dryer. So what is it? कैबिनेट और कंपार्टमेंट ड्रायर. सो एक कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट क्या समझाता है कि एक मतलब एक स्पेस है जिसमें कि सब डिवीजन होगा. जैसे कि यहाँ पे सब डिवीजन है, स्पेस है एंड सब डिवीजन है, मतलब कि खाली जगह, मतलब कोई भी एक चीज़ होगा, जैसे कि हमारा टेबल हो गया, तो उसमें अगर कंपार्टमेंट है तो वो मतलब अगर कोई डिवीजन है टेबल के अंदर, अगर कोई सब डिवीजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपार्टमेंट बोलेंगे. सो The tray dryer is shown in figure is a batch operated direct dryer. Okay, it consists of an enclosed insulated cabinet. Enclosed insulated cabinet. So this full is a cabinet. You see here, this is the cabinet portion. That means it shows the cabinet. That means, and this wall is insulated. ठीक है, इंसुलेशन का मतलब होता है कि यहाँ से हीट बाहर भी नहीं जा सकता और बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता. ओके, नेक्स्ट. Large compartment into which the material to be dried is placed on a number of removable trays. So these trays are removable, as I have shown in the, see, these trays are removable, like you can open it out, this one you can open it out. So these are the removable trays. Okay, the trays may either be fabricated from sheets or from screens. So it can be also be fabrication part, that means the construction part of this tray dryer. It is provided with the inlet and outlet connections of air. So inlet and outlet connections, see, air in and air out. So inlet and outlet connections of air. A heating coil, either electrical or steam heating, is incorporated in it. So heating coil, this can be heated by steam or electrically it can be heated. So this is the heating process of tray dryer. Fine. In these trays, steam और इलेक्ट्रिकली हीटेड एयर इज यूज एज ड्राइंग मीडियम. सो इसमें ड्राइंग मीडियम क्या हो रहा है? इसमें जो ड्राइंग मीडियम हो रहा है, वो हो रहा है कि जो हम लोग हीट करेंगे, इस हीटर में जो हीट करेंगे, वो जो एयर होगा, वो हीटेड एयर को हम लोग क्या करेंगे? ड्राइंग मीडियम, मतलब कि जो ड्राई करेगा और जो मॉइस्चर लेके बाहर चला जाएगा, वो होगा ड्राइंग मीडियम. द एयर इज सर्कुलेटेड इन द एयर ओवर द ट्रेस बाई मीन्स ऑफ फैन फिल्टर्ड एट द टॉप और एट द साइड. सो जो हमारा ये केबिन होगा, इसका जो हीटिंग कॉयल होगा, हीटिंग कॉयल के ऊपर या कॉर्नर में क्या होगा? ये हमारा फैन होगा. ठीक है, दिस फैन इज देयर. फैन वन ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू द कॉयल. वन ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू द कॉयल. ठीक है, एक साइड पे और इसके ऑपोजिट में है. ठीक है, अभी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे होता है इसका. द मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड ऑफ ऑफ द ट्रेस. ठीक है, जो मटेरियल हम लोगों को ड्राई करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रे में डाल देंगे. ये जो है यहाँ पे ये सब ट्रे में हम लोग क्या कर देंगे? स्प्रेड कर देंगे. ये वाला जो ट्रे वगैरह है, ये सब में हम लोग डाल देंगे. ओके, द मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड ऑफ ऑफ द ट्रेस एंड पुट इन टू द कैबिनेट. और कैबिनेट के अंदर हम लोग डाल देते हैं, एंड देन इट इज क्लोज. स्टीम इज कंटिन्यूसली पास थ्रू द कॉयल एंड फैन इज स्टार्टेड. स्टीम हम लोग कंटिन्यूसली, इसको अगर हम स्टीम से हीट करते हैं, तो स्टीम कंटिन्यूसली पास करेंगे और फैन भी चलाते रहेंगे. और फैन किस लिए दिया जाता है? क्योंकि इसका जो हीट होगा, वो यूनिफॉर्मली हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसीलिए फैन हम लोग यूज़ करते हैं. द एयर टेकन इन इज हीटेड बाई हीटिंग कॉयल्स इज रिलेटिव इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस. सो जो हम लोग एयर लेते हैं, ये हीट करते हैं, और इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसको कम कर देते हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेरा एक चैप्टर है, वो आप लोग देख सकते हो, वीडियो है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो लेक्चर है, वो देख लेना क्या होता है. दैट इज इट्स कैपेसिटी टू एवेपोरेट द मॉइस्चर इज इंक्रीज्ड. ठीक है, इट्स कैपेसिटी टू इवेपोरेट द मॉइस्चर इज इंक्रीज, मतलब कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने पर क्या होता है कि इसका जो ये
जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, जो हमारा फीड देंगे, इस फीड से ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर को टेक टेक करने के लिए, मॉइस्चर को हटाने के लिए ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है। एंड द हॉट एयर देन पास ओवर द ट्रेस, और जो हॉट एयर होता है तो ट्रे के बीच में से पास होता है और ये हीट ट्रांसफ़र करता है मटेरियल पे, और हीट ट्रांसफ़र करके वो जो मॉइस्चर निकलता है वो निकल के बाहर चला जाएगा। द मॉइस्चर इज इवेपोरेटेड, वही बोल रहे हैं कि मॉइस्चर इवेपोरेट फ्रॉम द वेट फीड गेट्स एडेड इन द एयर, एयर पे चला जाता है, ठीक है, बता दिया उसको। फाइनली द एयर लीव्स द ड्रायर थ्रू द आउटलेट, और फाइनली ये आउटलेट से एयर बाहर चला जाता है। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द सॉलिड अर ड्राइड, जब तक कि ये सॉलिड ड्राई ना हो जाए तब तक हम लोग ये प्रोसेस कंटिन्यूस कराते हैं, एयर देते हैं, हीटिंग कराते हैं, इसको ओवर द ट्रेस लेके जाता है एंड देन फैन सर्कुलेट करके फाइनली ये आउटलेट। और ये जो है डैम्पर, डैम्पर क्या करता है कि एक डैम्पर का ऐसा काम करता है कि ये हमारा एक जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो चिमनी वगैरह होता है स्टोव वगैरह में, या वो जो अच्छे अच्छे मतलब किचन में होता है ना डैम्पर, ये वाला डैम्पर का काम होता है कि ये रेगुलेट करता है कि इसका जो धुआं होगा या इसका जो हॉट एयर होगा वो कब बाहर निकलने देगा, ठीक है। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड, तब तक ये कंटिन्यू किया जाता है। द कैबिनेट इज देन ओपन, ड्राइड मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द स्टर्स, और क्या करते हैं कि ऐसे ये पूरा हवा बाहर निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकल के हम लोग प्रोडक्ट को पैकिंग करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा ये चीज़ क्या है कि जैसे कि ये अबाउट 80 to 95% ऑफ द एयर इज रिसर्कुलेटेड, मतलब कि इसको हीट का जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए और जो मतलब इकोनॉमिक बनाने के लिए, तो इसको क्या करते हैं हम लोग जो इसका जो ये वाला एग्जॉस्ट एयर है इसको हम लोग रिसर्कुलेट करते हैं कभी कभी, ठीक है। अभी ये देखिए इसके जो स्कीमेटिक में ये ट्रेस वगैरह दिया हुआ है, ट्रेस सपोर्ट वगैरह दिया है, ये हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन पार्ट में आएगा, कैबिनेट, फैन, डैम्पर, एयर आउटलेट, हीटिंग, सो दिस आर ऑल अंडर द कंस्ट्रक्शन पार्ट। द ओवरऑल रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ सच ड्रायर इज 0.2 to 2 kg वाटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, मतलब कि एक घंटे में पर मीटर स्क्वायर एरिया में ये दो मतलब 200 ग्राम से 2 किलो तक ये क्या करता है ड्राई कर सकते हैं, क्या ड्राई कर सकते हैं, वाटर, वाटर को ड्राई कर सकता है, कहाँ से, ये प्रोडक्ट से, ठीक है, जो हम लोग फीड देंगे वहाँ से। नेक्स्ट, और इसका जो थर्मल इफिशियंसी है कितना है, ये 20 से 25% तक, मतलब इसका थर्मल एफिशिएंसी थोड़ा कम है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है, ट्रेड एयर का एडवांटेजेस क्या होता है कि ये रिलेटिवली चीप होता है, चीप का मतलब कि ये सस्ता पड़ता है, ये बहुत ही सस्ता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट बिल्ड, और इसको बनाने में भी बहुत आसानी है, लो स्पेस रिक्वायरमेंट, इसका जगह बहुत कम लगता है, मतलब कि बहुत कम का मतलब कि कम लगता है, रिलेटिवली कम लगता है, इसका जो जगह चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, इस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए वो कम जगह पर भी हो सकता है। देन क्या होता है कि ईज़ इन क्लीनिंग, इसको साफ़ करने में भी, इसको क्लीनिंग करने के भी करने में भी ईजी होता है, लो मेंटेनेंस, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब कि अगर कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या तो इसको सही तरीके से रखने के लिए जो मेंटेन करना पड़ता है उसको जो कॉस्ट है वो कम होता है। नो लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ड्राइंग, और ड्राइंग के दौरान पे इस यहाँ से प्रोडक्ट का कोई लॉस नहीं होता, ये बताया गया, ये है सारा है हमारा एडवांटेजेस। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव टू ऑपरेट ड्यू टू हाई लेबर रिक्वायरमेंट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, हम लोगों ने बताया कि ये एक बैच प्रोसेस है, बैच प्रोसेस का मतलब होता है कि हम लोग फीड भी देना पड़ेगा एंड देन अगेन वी हैव टू टेक इट आउट, दैट मीन्स द प्रोडक्ट शुड बी टेक आउट, सो उसके लिए हम लोगों को मैन्युअली करना पड़ता है, जिसके खोल के इसको लाना होता है, प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है, सॉरी तो इसलिए हम लोगों का मैन पावर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए ये क्या होता है ऑपरेशन में एक्सपेंसिव आता है। देन लॉन्ग ड्राइंग साइकिल्स, 4 to 48 hours पर बैच, कभी कभी होता है कि मतलब मिनिमम 4 hours से लेकर 48 hours तक का एक बैच को कंप्लीट करने में लगता है, सो ये हमारा क्या है डिसएडवांटेजेस है। स्मॉल क्वांटिटीज़ आर हैंडल, और यहाँ पे हम लोग मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ में हम लोग यहाँ पे ड्राई नहीं कर सकते, ये यहाँ पे सिर्फ मतलब कि स्मॉल क्वांटिटीज़ लाइक कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट वगैरह हो गया उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ड्राई करते हैं। अब ये देख रहे हो कि ये जो एयर सर्कुलेशन से ये प्रॉपरली दिखा रहा है, ये हीटिंग कॉइल्स वगैरह हीट आ रहा है यहाँ पे, ये सारा आप लोग एक बार देख लीजिएगा आराम से, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। एप्लीकेशन क्या है इसका, ट्रेड ड्रायर इज़ वेल सुइटेड फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ये क्या है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि ये इसका जो क्वांटिटी है स्मॉल स्केल हैंडल, मतलब कि ये ज़्यादा एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट को ये ड्राई नहीं कर सकता स्मॉल प्रोडक्शन रेट के लिए। ड्राइंग वैल्यूएबल मटेरियल्स, और किसके लिए भी यूज़ होता है ये, इसका वैल्यूएबल मटेरियल्स लाइक डाइस हो गया, डाइस का मतलब होता है कि जो कलर हम लोग पिगमेंट जो आप होली पे जो आप लोग वो करते हो या तो जो हम लोग कलर बनाते हैं उसके लिए जो डाई होता है वो सारा कुछ क्या होता है
आपका इससे ये एक्सपेंसिव मतलब वो भी मतलब रेगुलर डाई नहीं जो मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव हम लोग हेयर पे जो डाई करते हैं कलर लगाते हैं, सो ये सब क्या होता है कि हमारा ट्रेड हेयर पे नॉर्मली ड्राई किया जाता है। एंड फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल में जो हमारा मेडिसिन वगैरह होता है, पील्स वगैरह होता है, टेबलेट्स वगैरह होता है, सो ये सब ड्राई ट्रेड हेयर में किया जाता है। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर ड्राइंग वेट लंपी सॉलिड्स। लंपी का मतलब कहता है कि ये मतलब एक साथ जमा होके थोड़ा सा वो बॉल जैसा हो जाना, मतलब जैसे कि अगर पाउडर हो गया, पाउडर अगर थोड़ा सा अगर उसको पानी लग जाता है तो जैसा बन जाता है ना ये सॉलिड टाइप का, तो उसको लंपी सॉलिड्स बोलते हैं। एंड वेट फिल्टर केक्स, वेट फिल्टर केक्स का मतलब कि जो हमारा फिल्टर से जो केक निकलता है, मतलब कि जो फिल्टर का जो गंदा चीज़ है उसको केक बन के निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर केक। और उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ये और एक चीज़ यूज़ किया जाता है, फिल्टर मीडियम में भी यूज़ किया जाता है, एक फिल्टर मीडियम भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर केक, और ये वही वाला है। विच मस्ट बी स्प्रेड ऑफ अदर ट्रेस, और ये सब जो भी है ये हम लोग ट्रे में क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा। ये जो हमारा ये ऊपर में ये मैंने ड्राइंग दिखाया था, इसमें जो ट्रे है इसमें हम लोग स्प्रेड कर देते हैं। सो ये था इसका ऑपरेटिंग कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। सो इफ देर इज एनी प्रॉब्लम देन वी कैन हैव ए लाइव क्लास सर, एंड देन ऑल्सो यू कैन कॉमेंट। थैंक यू।